बद्रीनाथ तो गए थे। अच्छा हाँ, तब गुड में ना। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद हमने निर्णय लिया कि हम माड़ा विलेज घूमने जरूर जाएंगे, जो कि यहाँ से केवल 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो हमने अपनी बाइक स्टार्ट करी और माड़ा गांव एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े सुबह 8:30 बजे करीब। आइए दोस्तों, चलते हैं माड़ा गांव। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल V2 एक्सप्लोर में। आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। आज का हमारा पर्यटन स्थल है माड़ा गांव। माड़ा गांव भारत का आखिरी गांव है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस खूबसूरत गांव माड़ा तक कैसे पहुंचा जा सकता है, और मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि किस समय इस गांव आना उचित होगा, कौन सा समय इस गांव तक आने के लिए उचित है, और इस गांव में क्या क्या देखने लायक चीजें हैं, इसके आसपास कौन कौन सी खूबसूरत जगह है जहां पर हम जा सकते हैं और उन जगहों को देख सकते हैं। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए दोस्तों, आइए चलते हैं माड़ा गांव। माड़ा गांव दोस्तों बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहां तक जाने के लिए आप बाइक से और टैक्सी से भी जा सकते हैं, अगर आप अपने व्हीकल से हैं, कार से हैं, तो उससे भी जा सकते हैं। अदरवाइज बद्रीनाथ धाम से आपको टैक्सीज मिलती हैं और आपको माड़ा गांव घुमाने के लिए ले जाती हैं। माड़ा गांव जाने वाले रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत दृश्य दिखाई देंगे। प्रकृति का पूरा आनंद लेते हुए आप माड़ा गांव जा सकते हैं। बद्रीनाथ से माड़ा गांव जाने वाला ये 3 किलोमीटर का रास्ता आपको पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो गया, क्योंकि रास्ते में प्रकृति को देखते देखते, प्रकृति के सौंदर्य को देखते देखते आपका टाइम कब खत्म हो जाएगा आपको मालूम ही नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों को देख पाएंगे आप इस रास्ते पे। माड़ा गांव का ये मेन गेट है दोस्तों, देख सकते हैं आप। मेन गेट में घुसते ही लेफ्ट साइड में एक रेस्टोरेंट है, आप यहां पर नाश्ता वगैरह ले सकते हैं और आगे अपनी जर्नी को प्रारंभ कर सकते हैं। यह गांव बहुत ही छोटा है दोस्तों, और गांव में लकड़ी और पत्थरों से घर बने हुए हैं। सर्दियों के टाइम पर यहां पर कोई नहीं रहता, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमा हो जाती है। माड़ा गांव आने का उचित समय है दोस्तों अप्रैल माह से लेकर अक्टूबर माह तक, क्योंकि अक्टूबर के बाद यहां पे बर्फबारी हो जाती है और यह गांव और बद्रीनाथ लगभग सारा बर्फ से ढक जाता है, जिसके कारण यहां पर आना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि रास्ते में बर्फ होती है तो आप यहां तक नहीं आ सकते। अगर आप माड़ा गांव आना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम है अप्रैल टू अक्टूबर। यहां के गांव के लोगों की जीविका यहां की जड़ी बूटियों और हैंडमेड
ऊनी वस्त्रों से चलती है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गांव है ये, कलरफुल गांव। यहाँ दुकानों पर आपको ऊनी वस्त्र, स्कार्फ, टोपी, ग्लव्स, स्वेटर और गर्म चादर आपको मिल जाएंगे। यह देखिए दोस्तों, इस गांव का एक नज़ारा लीजिए आप। यही है एक छोटा सा गांव, ये माणा गांव है। इस गांव में यह एक खूबसूरत मंदिर है। समय कम होने की वजह से मंदिर नहीं जा पा सके दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। इस गांव में इस रास्ते के दोनों तरफ आपको बुजुर्ग कुछ जड़ी बूटियां और ऊनी कपड़ों को बेचते हुए मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने ग्रुप्स में या अपने संबंधियों के साथ, ताकि जो भी व्यक्ति इस जगह पर आकर नहीं देख पा सकता है इस माणा विलेज को, वो मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख पाए और आनंद प्राप्त कर सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थोड़ी दूर ऊपर चलने पर आपको ये लेफ्ट साइड में एक रेस्टोरेंट मिलेगा। आप यहाँ पर भी चाय नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये सामने दुकान है, स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं आप। यहाँ से दोस्तों दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। लेफ्ट साइड वाला रास्ता आप देख सकते हैं सामने ये बोर्ड है। टेड वाला रास्ता भीमपुर, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग की तरफ जाता है, जबकि ये राइट साइड वाला गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ जाता है। आप दोनों रास्तों से ही जगह दोनों जगह घूम सकते हैं, लेकिन हमने राइट हैंड वाला रास्ता चूज किया और हम गणेश गुफा, व्यास गुफा घूमते हुए भीमपुर और सरस्वती धाम को जाएंगे। गणेश गुफा बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। यहाँ पर एक गुफा है, यहाँ पर थोड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है जिससे सांस फूलने लगी मेरी। आप देख सकते हैं ये है सामने गणेश गुफा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में महाभारत का लेखन इसी स्थल पर किया गया था गणेश जी द्वारा, और पुराणों का लेखन भी इसी स्थल पर किया गया था। यहाँ ऊपर गणेश जी का मंदिर है और मंदिर में गणेश जी की मूर्ति है। आइए ऊपर चलते हैं और गणेश जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी अंदर गुफा भी है, लोग इसकी परिक्रमा भी करते हैं। यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है, हमें बाद में पता चला, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे दोस्तों, बाहर से ही आपको गणेश जी के दर्शन कराएंगे। ये लेख है, आप इसे पॉज करके वीडियो को पढ़ भी सकते हैं। आइए गणेश जी के दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। जय गणेश भगवान जी।
यह सामने वो गुफा का द्वार है जहां से मंदिर की परिक्रमा करी जाती है। हमने नहीं करी दोस्तों, हम बाहर से प्रणाम करके आ गए। सामने ये सेब का वृक्ष है, इस पे सेब लगे हुए हैं हरे हरे, देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत वृक्ष है। इस गुफा से 100-150 मीटर आगे चलने पर हमें व्यास गुफा मिलती है। व्यास गुफा के जस्ट बगल में ये इंडियाज़ लास्ट टी शॉप है। अभी यहाँ पर कई सारी ऐसी शॉप खुल गई हैं, लेकिन जो प्राचीन है हम उसे भी दिखाएंगे आपको। अभी आप देखिए ये व्यास गुफा, यह व्यास गुफा 5326 साल पुरानी है दोस्तों। यकीन नहीं होता इतनी पुरानी गुफा है ये दोस्तों, व्यास गुफा। व्यास गुफा के जस्ट बगल में ये भारत की आखिरी चाय की दुकान, ऐसी अब कई दुकानें खुल गई हैं दोस्तों, लेकिन हम आपको प्राचीन दुकान भी दिखाएंगे। जो सबसे पहले यहाँ पे प्राचीन दुकान थी, एक आखिरी दुकान। आइए आगे चलते हैं। और यहाँ से लगभग 200 मीटर दूरी पर सीधे हाथ पे चलने पर आपको भीम पुल और सरस्वती माँ के दर्शन होंगे, सरस्वती रिवर के। तो आइए चलते हैं दोस्तों और सरस्वती रिवर और भीम पुल के दर्शन करते हैं। कथा इस प्रकार है दोस्तों कि जब पांचों पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो रास्ते में सरस्वती नदी पड़ी। इनसे रास्ता मांगा गया तो इन्होंने रास्ता नहीं दिया, तो भीम ने एक बहुत ही बड़ा पत्थर उठाकर इस नदी के ऊपर रख दिया, जिससे कि यह पुल बन गया। इस पुल को ही भीम पुल कहते हैं। देख सकते हैं सामने आप, ये जो बहुत बड़ा पत्थर है इसको ही पार करके आप इधर से उधर जा सकते हैं। ये पुल की तरह यूज़ कर सकते हैं आप, इसे भीम पुल कहते हैं। भीम पुल के जस्ट सामने ये एक छोटा सा मंदिर बन रहा है, सरस्वती माता का मंदिर है। और इसी मंदिर के जस्ट बगल में जो प्राचीन चाय की दुकान है, जो सबसे पहले यहाँ पे चाय की दुकान थी वह है, आइए वहाँ चलते हैं। ये आप देख सकते हैं जिस पे लिखा है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, ये सबसे पहले यही दुकान थी, अभी तो कई खुल गई हैं। इसी के जस्ट बगल से ये रास्ता जो जा रहा है दोस्तों, ये जाता है वसुधारा जलधारा, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है, जिसका एक दिन का ट्रैक है। और ये वसुधारा जो वाटरफॉल है दोस्तों, ये 400 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। सामने आप ये देख रहे हैं सरस्वती नदी। सरस्वती नदी यहाँ से आगे चलकर कहीं भी नहीं दिखाई देती, थोड़ी दूर पर जाने पर ये अलकनंदा रिवर में मिल जाती है, जिस संगम को केशव प्रयाग कहते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।